हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेरे व्लॉग में। तो आज ही अष्टमी और आज ही मेरा लास्ट फास्ट। मैं पहला वाला करती हूँ और उसके बाद अष्टमी वाला करती हूँ। दो में व्रत रखती हूँ और 9 दिन तो पहले मम्मी पापा किया करते थे, लेकिन अब उनसे भी नहीं होते तो वो लोग भी अब नहीं करते। तो आज तो सुबह सुबह बहुत सारी कन्याएं दिख रही थी, है ना गुनु? बहुत सारी लड़की, छोटी 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 बच्चियां घाघरा फ्रॉक जिसका जो ड्रेस होता है वो पहनकर घूम रही थी, क्योंकि काफी लोग आज के दिन कंचका खिला देते हैं अष्टमी को, लेकिन हमारे घर में नवमी को ही खिलाते हैं, अष्टमी को हम लोग नहीं खिलाते हैं। तो आज से तो मेला भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मेला तो लगता है, लेकिन हस्बैंड नहीं है तो मैं मेला भी नहीं देख पाऊंगी। होती तो हम लोग कैसे जाएंगे बेटा, दूर लगता है, और होता मतलब होते हो तो हम लोग जाते। तो फिलहाल मैंने पूजा वजा कर लिया है और आज मेरे पास फ्रूट्स भी नहीं, देखो आज फास्ट है और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए। हालांकि मैंने एक भैया को भेजा है और आज मंडी लगता है, संडे तो मंडी भी लगता है, तो मैं तो खैर जाऊंगी नहीं। मैंने एक भैया को बोल दिया तो वो लेकर आए, तो जब भी लेकर आएंगे तो मैं माता को चढ़ा दूंगी। और अभी आई उसी मेरे लिए बना रही हूँ फास्ट का चाय। देखो आप लोग बोलते हो ना कि आप बिना चाय के नहीं रह सकते, देखो मैं सुबह से लेकर 11 बज गया ना, 11 बजे तक मैं बिना चाय का हूँ, मैं अभी पीऊंगी। ऐसा क्या सुबह से एक कप भी नहीं पिया मैंने, व्रत में कहाँ पीती हूँ मैं 2 घंटे। क्यों क्यों, तीज चौथ करती हूँ तो रहती नहीं हूँ, रात को पीती हूँ और चौथ तीज में तो डायरेक्ट सुबह पीना होता है। नहीं छोड़ नहीं सकती हूँ भाई, मेरे को चाय का मतलब एडिक्शन है, एडिक्शन क्या, मेरा फेवरेट है चाय, ठीक है। मतलब माजा मरिंदा बोली, मरिंदा कोका कोला पेप्सी ये लोग पीते हैं, मेरे को चाय मिल जाए ना तो मेरा दिन बन जाए। तो पहला कप अभी चाय का भी आई, इसलिए मैंने रख दिया है व्रत वाला चाय। और सुबह नाश्ते में मैं बनाई थी बच्चों के लिए अप्पे, दोपहर में बनाऊंगी एक स्पेशल सी चटनी टमाटर की, जिसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी यम्मी बनता है एकदम। छोला भटूरा बेटा अभी नहीं बनना, क्योंकि हमारे यहाँ ना नवरात्रों में तलते उलते नहीं है हम लोग। देखो 3 चीज नहीं करते हम लोग, हमारे यहाँ कुछ भी तलते नहीं है और खीर नहीं बनता है, हलवा नहीं बनता है, पूड़ी नहीं बनती, क्योंकि ये 3 चीज माता को चढ़ता है। हाँ, तो जब नवमी हो जाएगा ना, जैसे कल है नवमी, कल हो जाएगा उसके बाद हमारे यहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आई उसी खाई कर पानी मेरे मुंह में डाल दिए, कैसा है भाई। तो यहाँ पर बन रहा है मेरी चाय। ये अदरक लेकर आओ भाई, बिना अदरक का मैं चाय कहाँ पीती हूँ। आपके तो इतने नखरे होते हैं ना चाय बनाने के, ऐसे बनाना भाई। देखो चाय 1 कप पियो, चाय 2 कप पियो, चाय ना ढंगा पियो, अदरक थोड़ी सी एक्स्ट्रा, दूध कम, चीनी, मुझे चाय पसंद है, और काली मिर्च नहीं होना तो अदरक भी पी लो, काली मिर्च भी चाहिए मुझे। मिसर से अदरक रखती स्टोर करके टिश्यू पेपर के अंदर। देखो 1 महीना अदरक जाता है, आप अगर ऐसे रखते हो तो। तो अभी मैं थोड़ा सा गुड़ और पानी मुंह में डालूंगी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी पिया नहीं है ना, तो चाय पीने से पहले ना थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, सही रहते हैं। हाँ, कौन सा पटाखा चाहिए? मेरे को ना सुतली बम चाहिए, जो बड़ा सा स्क्वैश टाइप का आता नहीं है, बड़ा वाला ग्रीन कलर का। फिर आलू बम चाहिए, फॉल बम चाहिए, मिनी बम चाहिए, गुलगुला जाम चाहिए, फुलझड़िया चाहिए, अनार, चक्री, और एक जम्बो चाहिए, बीड़ी बम आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस बस, अब ये बताओ इतने सारे बम फोड़ोगे तो पॉल्यूशन कितना फैलेगा? साल में एक ही बार होता है, या साल में एक ही बार। और इन दो बेचारों का, बेचारे छुट्टी लेकर बैठे घर में, 10 दिन की छुट्टी, ऑटम ब्रेक मिला है, लेकिन इतना होमवर्क दे दिए टीचर, इतना दिए कि दोनों परेशान हो गए। मेरा तो 10 दिन की छुट्टी में भी एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है, वो भी ऑनलाइन। और तुम्हें पता चला, मुझे कल मौसी से एक बात पता चली, मुझे नहीं पता था, आप लोग बताना बात सच है क्या, बच्चों को होमवर्क देना अब बंद हो गया है, मतलब गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है। मौसी बता रही थी, देखो वैसे तो स्कूल से कोई होमवर्क देता हूं, मैं तो हॉलीडे होमवर्क, मैं चाह रहा हूं मैम को कॉल करने, प्रिंसिपल मैम को सीधे मेरे को, मैम गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, आप भी मत रूल तोड़ोगे तो जेल में जाओगे। मैं बता रही थी मम्मी को, जब कंचका होता था ना तब मैं कितने 10 साल की थी, 5 से 10 साल में। हाँ, मैं मेरी दोस्त बोलते थे सुबह उठ के तैयार व्यार होके एक साथ मिलते थे, हम बोलते थे हम लोग जा रहे ऑफिस के लिए, पैसे कमाते थे उस दिन कंचका के दिन, ठीक है। तो अभी ऑफिस से रिटायर हो गए, अभी मिलते ही नहीं, पैसे को बुलाते इतने जल्दी रिटायर हो गए। यहाँ पर हो ना, घर पर होती तो अभी भी जाती। सच्ची को ऑफिस ने बोला कि 12 साल के बाद नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है।
देखो सच्ची का ये ऑफिस जाते हैं क्योंकि उधर इतना भर भर के देते हैं खाना। बस सच्ची मतलब इतना ये प्रसाद लेकर आती थी, इतना प्रसाद लाती थी कि किचन भर जाता था। अरे एक बार बात ना, हम सुबह सुबह उठते तो सबसे पहले हमारे घर में होता है, सब हमारे घर में आते हैं, दो तीन आंटियां बाहर इंतजार कर रही होती है, खड़ी होती है, एक इधर को लेके जाते हैं, उधर को लेके मतलब पांच इनके घर में है, पांच उनके घर में है, ऐसे ये नहीं कि एक जगह सारी इकट्ठा करके एक बार में कराए। मेरी दोस्त को ना एक दोस्त को एक आंटी ने इधर से पकड़ लिया, एक ने इधर से पकड़ लिया, दोनों आंटी को एक ही लड़की जाए थी, दोनों खींचने लग गए उसको। मैंने हमारे गली में देखो 30-40 घर होते, उसमें 20 या 35 घर में तो होता ही होते कंच का। हाँ, अरे बहुत लोग कराते हैं दिल्ली में, सबसे ज्यादा कराते हैं। देख रहे हमारे गले में हजार पैसे लेके घूम रहे हैं, पैसे लेके घूम रहे हैं, देख रहा हूँ पैसे मेरे को भी टायर से आके। और कंचका तो मैंने भी खाया बचपन में बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 छोटे छोटे प्याज और इसको अच्छे से मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में। इसको पीसना नहीं है, मतलब इसका ग्रेवी नहीं बनाना है आपको, बारीक इसको चॉप करना है, या तो चाकू से कर लो या फिर चॉपर से कर लो। तो प्याज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, अगर ज़्यादा टमाटर का बना रहे हो तो ज़्यादा प्याज यूज कर सकते हो, अगर कम टमाटर ले रहे हो तो 3-4 प्याज में आराम से हो जाता है। और ये वाली चटनी यकीन मानो बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब बहुत अच्छा बनता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे रख दिया कढ़ाई गर्म होने के लिए, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में चटनी वगैरह बहुत अच्छा बनता है। चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं चटनी के लिए मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा तड़का लगा दिया जीरा और एक सूखी मिर्ची की, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है चॉप किया हुआ प्याज। इसको बस सौते करना है हल्का से, इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, हल्का हल्का इसको सौते करना है ताकि ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाए। तो जब हल्का सा प्याज भुन जाए तो हम इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट, और ये वाला जो अदरक का पेस्ट है ये होममेड है, मैंने घर पे बनाया है। तो इसको थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे, और जैसे प्याज थोड़ा सा और अच्छे से भुन जाए इसमें डाल देंगे मसाले। केवल हल्दी और लाल मिर्च में यूज़ करें यहाँ पे, इससे ज़्यादा इसमें मसाले यूज नहीं होते। अगर ज़्यादा डाल दोगे तो ये चटनी नहीं रहेगा, ये सब्जी बन जाएगा, और हमें सब्जी नहीं बनाना है, हमें चटनी बनाना है। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी चॉप किया हुआ टमाटर। चॉप में मैंने यहाँ पे मैंने यह टमाटर लिया है 5, और अगर आप चाहो तो बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, आपकी मर्जी के हिसाब से यूज कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और इसको फिर ढक ढक के पकाना है। जैसे थोड़ा सा टमाटर पक जाए इसके अंदर हम डाल देंगे स्वाद के लिए नमक, और स्वाद को मेंटेन करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चीनी भी यूज़ करेंगे, क्योंकि टमाटर वैसे भी थोड़ा बहुत खट्टा है। तो इसको फिर से ढक के पकाएंगे 2-3 मिनट, और इसके बाद से आपकी चटनी रेडी हो जाएगी खाने के लिए। यकीन मानो बहुत टेस्टी यम्मी बनता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें, रोटी के साथ भी और अच्छा लगता है। इसको देखो, ये छोरा यहाँ पे बैठकर गेम खेल रहा है। खाओगे कब? क्या खा रहे हो? तू भी खा रही है, जो टेस्टी से खाना है जल्दी आओ। अभी नहीं, थोड़ी बहुत, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने बच्चों को लंच बना कर दे दिया है, सुबह से अभी तक अपने लिए टाइम नहीं मिला कि हाथ पैरों में मैं कुछ लगाऊं, और अब तो वैसे भी ठंडी का मौसम आ गया है तो वाइट वाइट हो जा रहा है हाथ पे बिल्कुल भी। और यहाँ सुबह शाम ना बड़ी तेज ठंडी लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर तो ख़त्म हो ही गया, ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन और रह गए, मतलब नवंबर 15 तक आते आते, यानी दीपावली आते आते तेज ठंडी पड़ने लगेगी यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। और जिस भैया जिससे मैं मंगवाई थी सब्जी अभी तक नहीं लगाई, बताओ अभी कितना टाइम हो रहा है, तकरीबन 1:30 बजने वाला है, अभी तक नहीं लाए। और अब बताओ इतने टाइम में क्या माता को भोग लगाऊंगी, दोपहर में तो वैसे भी पूजा पाठ नहीं करते। तो जो मैं प्रसाद मंगाई थी उसमें से निकाल के मैं रख दूंगी, फ्रूट्स निकाल के रख दूंगी, और कल जब मैं पूजा करूंगी ना सुबह मॉर्निंग में, तो माता को भोग चढ़ा दूंगी। यही है, मतलब आप खुद करो चीज़ें तो सही जाती है, अगर किसी से मंगाओ तो वो तो अपनी मन का मर्जी चलेगा भाई। मैं उनको बोली थी कि मुझे 10 बजे तक ला कर दे देना, 11 बजे भी चल जाएगा, और इसीलिए मैं चाय थोड़ा सा लेट पी कि भैया जी आ जाएंगे तो मैं भोग लगा दूंगी, पर वो आए ही नहीं, अभी तक नहीं है। माता का तो भोग नहीं लगा, मेरा खुद का भी भोग नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी फ्रूट्स नहीं है कि मैं खाऊं। तो जब तक नहीं आते हैं तब तक ऐसे ही बैठना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कर्टन, क्योंकि जब धूप आती है तो शीशे पे डायरेक्ट धूप आती है और शीशे की वजह से पूरा हॉल गर्म हो जाता है। सो ये रहा आज का ब्लॉग, आप लोग बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट भी करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे, और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए। मिलते कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखना।